अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैनल टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये चाइना का टीवी है, 14 इंच का CRT, ये चाइना बोर्ड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसमें फॉल्ट क्या है कि ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। जब हम इसकी पावर सप्लाई की बात करें, पावर सप्लाई बिल्कुल ओके है, पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि ऑन होता है फिर दोबारा बंद हो जाता है, ठीक है। सेट की ये कंडीशन है, ऑन होता है फिर बंद हो जाता है, कभी कभी ऑन ही नहीं होता है, ये इसमें फॉल्ट। तो जब ऑन होता है तो साथ ही ऑन होने के साथ ही फौरन बाद ये ऑफ हो जाता है सेट। तो जब हम इसके वोल्ट चेक करते हैं, मैं आपको वोल्ट इसके चेक करा देता हूँ कि कहाँ इसकी सप्लाई जो आउटपुट दे रही है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये मल्टीमीटर, तो जी मैं अब इसको पावर देने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये इसकी कंडीशन क्या है। ये मैंने इसको पावर दे दी, तो जब हम इसके वोल्ट चेक करते हैं, मसलन ग्राउंड मैंने ऑलरेडी इसको लगा दी है, तो ये 160 वोल्ट का कैपेसिटर है ये, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे वोल्ट चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं 36-37 के लगभग वोल्ट मिल रहे हैं। तो समटाइम ऐसा होता है ये वोल्ट ज़्यादा हो गए, ठीक है, 89-91 से वापस आ गए। जब 90 से ऊपर जाते हैं तो सेट ऑन हो जाता है, ठीक है, दोबारा सेट जो है वो ऑफ हो जाता है अगर इस तरह की कंडीशन के ऊपर। ये आप देख सकते हैं 36 वोल्ट अभी मिल रहे हैं यहाँ पे। तो समटाइम ऐसा होता है कि ये वोल्ट ऑटोमेटिकली, ये देख सकते हैं आप 39 से फिर वापस आ गए हैं, वो आप ऊपर जाते हैं वोल्ट फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। ये 160 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसके ऊपर 115-120 के लगभग भी यहाँ पे वोल्ट मिलने चाहिए। तो जब हम इसको यहाँ पे इसके वर्टिकल के चेक करते हैं, ये 25 वोल्ट यहाँ पे आने चाहिए, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वोल्ट ज़्यादा और कम हो जाते हैं, 7 वोल्ट 8 10 इस तरह, ये 4 ये 8, ठीक है, ये वोल्ट इसी तरह कम और ज़्यादा होते जाते हैं। इसकी अगर हम पावर सप्लाई की बात करें कि पावर सप्लाई बिल्कुल ओके है, पावर सप्लाई जो आउटपुट बिल्कुल ठीक दे रही है। तो आगे इसके फॉल्ट है, तो सभी वोल्ट हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे 95 वोल्ट मिलने चाहिए, 195 190 180, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्ट मिल रहे हैं 60 62 63 के लगभग, ठीक है, ये वोल्ट मिल रहे हैं, तो जो कि वोल्ट बहुत कम, वोल्ट यहाँ पे एक जगह पे स्टेबल नहीं हो रहा, ठीक है, इनको एक जगह पे वोल्ट को रुकना चाहिए, जो कि नहीं रुक पा रहे। सभी वोल्ट जितने भी ये आउटपुट दे रही है, सारे के सारे वोल्ट जो है वो कम होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा होते हैं और फिर कम हो जाते हैं, ये इसकी कंडीशन है। तो इसमें फॉल्ट कहाँ पर है, क्या फॉल्ट हो सकता है? तो इसमें फॉल्ट होता है कि ये जो आप देख सकते हैं ये है वेरिएबल एरिया, ठीक है, मैं इसका ऑफ करता हूँ। तो ये इसकी वेरिएबल लगी हुई है, ठीक है, इसके साथ ये 3-4 रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। तो ये वेरिएबल भी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा अगर वेरिएबल आपकी बिल्कुल ओके है तो फिर रेजिस्टेंस भी ख़राब हो सकती है। ये दो प्रॉब्लम होती हैं अगर इस तरह की कंडीशन सेट की हो, जब वोल्ट ज़्यादा हो जाते हैं फिर कम हो जाते हैं, ज़्यादा होते हैं या फिर कम हो जाते हैं, तो ये इस एरिए में फॉल्ट होता है, ठीक है। ये इसकी रेजिस्टेंस भी ख़राब हो सकती है, सॉरी इसकी वेरिएबल भी ख़राब हो सकती है, इसकी ये रेजिस्टेंस लगी हुई हैं ये भी ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। तो बहरहाल सबसे पहले हम इसकी जो वेरिएबल है वो उसको ओपन करते हैं, ओपन इसको वेरिएबल को चेंज करके देख लेते हैं, तो अगर तुम्हारा मसला हल हो जाता है तो फिर हम इसको एंड, वरना इसकी जो सॉरी इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज करना पड़ेगी। ये इसकी वेरिएबल है, ठीक है, इसके साथ ये रेजिस्टेंस लगी होती हैं 2-3, अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर भी ये सेट की ये कंडीशन होती है। तो सबसे पहले ये वेरिएबल ख़राब हो सकती है, वेरिएबल को हम चेंज करते हैं फिर देखते हैं।
तो जी ये वेरिएबल को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, इसको चेंज किया बस वेरिएबल को। ये 202 की वेरिएबल होती है तो इसको चेंज किया। अब हम इसको पावर देते हैं। सबसे पहले पावर दे के इसको चेक कर लेते हैं, इसको उल्टा करते हैं, वोल्ट चेक करेंगे। ये मैंने पावर दे दी है इसको। अब साउंड भी इसका शायद आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो 113 वोल्ट आ रहे हैं, 112 से के लग 113 के लग, ठीक है, 112 से 113 वोल्ट। और यहाँ पे वोल्ट हमें मिलने चाहिए, आप देख सकते हैं 194 193, ठीक है, ये वोल्ट मिल रहे हैं। वर्टिकल के ऊपर चेक करते हैं तो यहाँ पे वोल्ट हमें मिल रहे हैं 26, जो कि वे लोग को कह रहे। सेट भी आप देख सकते हैं, सेट हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है, तो सेट ऑन हो चुका है। तो इसमें फॉल्ट, इसके वेरिएबल का फॉल्ट निकले, ये वेरिएबल चेंज किए बस, तो वेरिएबल चेंज करने से हमारा जो मसला है वो हल हो गया। ये वेरिएबल जो है ख़राब थी, जिसकी वजह से सेट के बोल्ट जो हैं वो एक जगह पे रुक नहीं रहे थे, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ये कंडीशन थी। तो अब हमारा फॉल्ट